हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली साधो। फ्रेंड्स, आज मैं ये ट्रैवल वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ। कल हम बेंगलुरु से निकल के मेरे नेटिव प्लेस सिरसी आके पहुँचे। सिरसी से आज सुबह हम गोवा के लिए निकले हैं। यहाँ से गोवा करीब 200 किलोमीटर डिस्टेंस में है। हम गोवा पहले किधर जाएंगे, क्या क्या करेंगे, वन बाय वन आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। हम सिर्फ 2 दिन के लिए गोवा जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी अभी देवी मने घाट हुआ। देवी मने घाट का वीडियो पहले ही मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, लिंक मैंने दे दिया है। कल हम बेंगलुरु से दोपहर को निकले थे। सिरसी आके पहुँचने में रात के 10 बज गए थे। फ्रेंड्स, सिरसी मेरी नेटिव प्लेस है, पहले ही मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन कई लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं कि सिरसी कहाँ पे है, इसलिए मैं और एक बार बता देती हूँ कि सिरसी कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में है। फ्रेंड्स, अब हम कारवार तक आके पहुंचे। हम 12 बजे के करीब कारवार आके पहुंचे। हमने दोपहर का लंच कारवार में ही किया। थोड़ा ब्रेक लेके हमने हमारा जर्नी कंटिन्यू किया। कारवार से गोवा जाते वक्त हम ये सभी खूबसूरत नजारा देख के एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, गोवा मैं बहुत बार आ चुकी हूँ और ऑलमोस्ट ऑल प्लेसेस देख चुकी हूँ, लेकिन यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के बाद ये मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मुझे नॉर्थ गोवा में अरंबोल बीच अच्छा लगता है और साउथ गोवा में पैलोलम बीच अच्छा लगता है। आज के दिन रुकने के लिए हमने गोवा में होटल या हट बुक नहीं किया था, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत पहचान है, कहीं ना कहीं हमें रूम तो मिल ही जाएगा। फ्रेंड्स, अभी हम अगुंडा बीच जा रहे हैं। वैसे तो हम हमारे नेटिव प्लेस आए थे, लेकिन अचानक से हम गोवा जाने का प्लान बना लिया, सो हम ऐसे ही आज डायरेक्ट गोवा आ गए। फ्रेंड्स, हमारे साथ मेरे बहन लोग भी आए हुए हैं, लेकिन सब लोग अलग अलग गाड़ी में हैं। फ्रेंड्स, अगोंडा बीच में तो क्राउड बहुत कम रहती है। अगर आपको ज़्यादा क्राउड नहीं चाहिए तो अगोंडा बीच में आराम से रुक सकते हैं।
अगोंडा बीच देख के अभी हम पैलोलेम बीच जा रहे हैं। अभी हम पैलोलेम बीच के एंट्रेंस में हैं। यहाँ पे पार्किंग की थोड़ी दिक्कत रहती है। हमने तो बीच के सामने ही हट लिया था। कोविड से पहले भी हम यहाँ पे आए थे तो यहीं रुके थे। इवनिंग टाइम ने हम सब लोगों ने मिलके बहुत मस्ती किया। रात के डिनर के बाद हम थोड़ा शॉपिंग करके आए। कल सुबह उठकर हम सब लोगों ने बीच पर खेला। कल के दिन हमने क्या क्या किया वो सभी मैं अगले व्लॉग में आपसे शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, आपको ये गोवा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, अगले व्लॉग में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।